12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम फैसला। 23 मई को आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा और उनसे प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार 1 जून को सुबह 11 बजे 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम घोषणा करने वाले थे, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। कोरोना को देखते हुए कई राज्यों द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने की सिफारिश की गई थी, साथ ही इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। घंटों चली लंबी चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया। अब देखना यह होगा कि परीक्षा न होने की स्थिति में बच्चों को किस आधार पर सफल माना जाएगा, साथ ही यह भी कि क्या सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण माना जाएगा या नहीं। अगर नहीं तो फिर परीक्षाएं कब होंगी और इससे आगे होने वाले क्वालिफाइंग परीक्षाओं पर क्या असर पड़ेगा। खबर को शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, साथ ही हमें लाइक व सब्सक्राइब करें।